आपको कंक्लूड करते हुए पहले डीडीसी साहब सुभाष जी मैडम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्लॉक लेवल के क्लश में मिट्टी और चावल डालें और बाद में तमाम भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसके साथ ही मैं गुजारी के वाले साहब को यहाँ पे ऑनर करें, उनको मैडम जी, हमारे शहीद रवि जी के वालिद मोहतरम सुभाष जी आए हुए सरपंच पंच व दीगर साथियों आदाब सलाम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये मेरा माटी मेरा देश हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र भाई मोदी ने अपने 107वें मन की बात में इसका ऐलान किया कि मेरा माटी मेरा देश इस 15 अगस्त के लिए 9 अगस्त से शुरू होगा। ये कैंपेन
अपने लेवल पे पहले तरह की कैंपेन है। अगर देखा जाए इसकी गर्ज़ो गायत क्या है, इसका मकसद क्या है, तो वो किस कुछ इस तरह से है कि मेरी माटी मेरा देश इस गर्ज से बनाया गया है कि हम अपने उस ख्याल से बाहर आए जिसमें हम इनफरादी काम करते थे, इंडिविजुअल लेवल के वर्क्स करते थे। इस कंपेन का मकसद ही है कि हम अपने मुल्क के लिए कम्युनिटी लेवल वर्क्स करें, हम ऐसे काम करें जिससे हमारे मुल्क की तरक्की में और चार चांद लगें। साथ साथ मेरा माटी मेरा देश नाम इसलिए रखा गया कि जहां का मैं हूं वहां की उस जमीन को, वहां के उस सरजमीन को मैं सलाम पेश करूं। अक्सर देखा जाता है कि हमारे क्या कई ममालिक में जो भी कुछ लोग किसी भी ओहदे पे फाइज होके फिर वो दूसरे ममालिक की तरफ रास्ता इख्तियार करते हैं। असल मकसद ये है कि जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया आप वहां पे काम कीजिए, वहां की फलाह व बेहबूद के लिए काम कीजिए। और साथ साथ जो नौजवान जो हमारे भाई अपने जानों को निशावर करते हैं हमारे एहतियात के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी शहादत को याद रखें, उनकी उस शहादत को इस मौके पे याद करें और अपने जवानों में हुबुल वतनी का जज्बा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। उस चीज के लिए हुक्म दिया गया कि हर पंचायत में शहीदों की याद में पेडिस्टल्स बनाए जाएं और उस हुक्म की तामील भी की गई। आप सबको पता है 9 से 15 अगस्त के दौरान एक कंपेन चली जिसमें पेडिस्टल्स बनाए गए और अमृत सरोवर की सफाई की गई। जहां पे हमारे पास जगह मौजूद थी वहां पे हमने अमृत सरोवर के आसपास ही पेडिस्टल्स बनाए। तो मुख्तसरन आपके बीच ज्यादा देर न रहते हुए मैं सबसे पहले दावत दूंगा वीडियो मैम को कि वो अपने ख्यालात आपके सामने रखे, उसके बाद हम आज की इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे चलाएंगे। मंच पे विराजमान हमारे बीडीसी काउंसिल के मेंबर, हमारे बीडीसी चेयरपर्सन, हमारे सरपंचेस, हमारे यूथ क्लब के वॉलंटियर्स, बाकी पीआरआईस, त्रिगाम की आवाम और डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हूँ, मेरा नाम चमन भारती है और मैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से बिलोंग करती हूँ। हाल ही में मैंने ब्लॉक त्रिगाम का चार्ज संभाला है और इसके साथ साथ मैं वीडियो हेडक्वार्टर का चार्ज भी संभाल रही हूँ। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं मेरी माटी मेरा देश जो प्रोग्राम था सरकार का उसको मनाने के लिए। इसका उद्देश्य ये था कि हम हर इसका फेज वन जो है वो अगस्त के महीने में शुरू हुआ था जिसमें हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की थी। मैंने फोटोज़ वगैरह देखे थे, त्रिगाम में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई थी जिसमें हमने पंचायत के सभी प्रोमिनेंट प्लेसेस पे, जैसे कि इफ्तिकार साहब ने बताया कि हमने सिला फलकम बनाए थे, हमने पंचायत लेवल पे कलश यात्राएं की थी जिसमें हमने घर घर से मिट्टी इकट्ठी करके पंचायत लेवल के कलशों में इकट्ठी की थी और फिर हमने यात्रा निकाली थी। पंच जो प्राण हमने प्लेज लिया था, प्लांटेशन ड्राइव्स की थी। तो आज जो हमारा इसका फेज टू शुरू हो गया है, इसमें क्या है कि जो पंचायतों से हमने मिट्टी इकट्ठी की थी उसको हम एक ब्लॉक लेवल के कलश में इकट्ठा करेंगे और यहाँ से एक चुने हुए वॉलंटियर इसको लेके यहाँ से दिल्ली जाएंगे। वहाँ पे उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से भी होगी और साथ ही साथ जो हमारा इंडिया गेट है वहाँ पे एक नेशनल वॉर मेमोरियल है उसके पास एक अमृत वाटिका का स्थापन किया जा रहा है जिसमें देश के इसी तरह से बाकी देश के हरे कोने से भी मिट्टी इकट्ठी करके लाई जा रही है। तो वहाँ पे अमृत वाटिका स्थापित की जाएगी जो कि हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत जो भारत की एकता को दर्शाएगा।
उसके साथ साथ इस प्रोग्राम का एक उद्देश्य ये भी था कि जो वीर वीरांगनाएं जिन जवानों ने, जैसे हमारे बीच में एक बहुत बड़ी मिसाल अभी बैठे हैं जो हमारे रिसेंटली शहीद हुए जो रवि कुमार जी हैं, उनके पिताजी यहाँ पे हैं, मैं उनका बहुत आदर सम्मान और धन्यवाद करूँगी कि हम उन उनके जो जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान का बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, हम उनको याद करें, उनके बलिदान को हम ऑनर करें, उनको उनको सम्मान दें और ये याद रखें कि हम हमें हमेशा उन पर गर्व रहेगा। और अगर आज हम यहाँ पे सुख चैन से बैठे हैं तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा बलिदान है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सभी अपनी पार्टिसिपेशन देते आ रहे हैं ब्लॉक के जितने प्रोग्राम हो रहे हैं। खासकर मैं PRI से कहूँगी, अगर हमने देश को नशा मुक्त बनाना है, करप्शन मुक्त बनाना है या देश को प्रगति की राह पे आगे ले जाना है तो इसमें सबसे बड़ा रोल आपका होगा। जितने भी पंचायत लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे जितने प्लान बनते हैं वो आप लोगों से ही बनके हमारे तक पहुंचते हैं, हम तो जस्ट एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में भी आप डिपार्टमेंट के साथ ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे ताकि हम अपने एरिया को, अपने त्रिगाम को प्रगति की राह पर तेज़ी से ले जा सकें। धन्यवाद।